लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ सीरी, this is for you. Oh sweet, तानिया, red heart shape boxer हो ना? Very nice. Shit. बंटी, मुझसे शादी करोगे? ये तुम्हारा favorite question है ना तानिया? बार-बार यही पूछ के डराती रहती हो? अरे, इसमें डराने की क्या बात है? और तुम्हें डराना ही होता तो मैं ये नहीं कहती कि please मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो better होता, less scary ना? Listen sweet. तुम चाहो तो हम साथ साथ रह सकते हैं, लिव इन चलेगा, पार्टनर्स कहलाना चलेगा, but no मिस्टर एंड मिसेस एंड नो शादी। मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ शादी करूंगी और वो भी तुम्हारे साथ। तो इस जन्म में तुम्हारा प्रॉमिस पूरा ही नहीं होगा तानिया। पंटी, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, मेंटल इंस्टीट्यूशन है तानिया, और इसका लिविंग प्रूफ है मेरे माँ बाप। शादी प्यार का दी एंड है तानिया। पंटी, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वंस यू मीट माय मदर एंड फादर। 10, 13, 10, 11, 10, बस 10, बस। क्या साहब, रोज 1000-2000 दर्जन माल खरीदते हो और 50 पैसे दर्जन के लिए खिच-खिच करते हो। बहुत लंबी कहानी है,
कितनी लंबी? 5 फीट 7 इंच लंबी। भैया लोगों के यहाँ लाजवंती, गुणवंती, भागवंती आती है, मेरे यहाँ खर्चवंती आ गई है। खर्चा पानी का तो मतलब ही बदल दिया उसने, मेरे पैसों को तो पानी की तरह बहा देती है। कभी कभी तो इतनी देर तक शॉपिंग करती है कि वही मॉल के होम डिपार्टमेंट में कंबल तकिया लेके सो जाती है ताकि सुबह फिर शुरू हो जाए शॉपिंग के लिए। छोटी मोटी शॉपिंग तो हो गई, अब असली शॉपिंग कल करेंगे। इतना ही नहीं, अगर गाड़ी का स्टीरियो खराब हो जाए तो फिर वो नया स्टीरियो खरीद लेती है। नहीं, नई गाड़ी खरीद लेती है वो। और ये देखिए, ये आप ड्रेस देख रहे हैं, 2.5 लाख रुपए का ड्रेस है। कहती है कि मलिका शेरावत ने मर्डर फिल्म में ऐसा ही ड्रेस पहना था। अब बोलो, मलिका शेरावत ने मर्डर में ड्रेस पहनी थी कब? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अपने रेस्टोरेंट के लिए हर रोज सस्ते फल और सब्जियां खरीदने के लिए मैं लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स से यहाँ आता हूँ। भाई साहब, ऊपर वाला ऐसी बीवी तो ओसामा बिन लादेन को भी ना दे। हे राम, तुमने जानबूझ के ड्रेस खराब कर दी। माला भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम चाहते ही नहीं कि मैं अच्छी दिखूं। वो तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, इसलिए मेरे कुछ करने ना करने से क्या होने वाला है। अच्छा तो फिर मुझसे शादी क्यों की? हाँ बताओ ना, शादी क्यों की? बात बात पर ताने मत दिया करो, गलती सबसे हो सकती है। हाँ, जैसे तुम्हारे माँ बाप से हुई। तुम माला अपनी जुबान को लगाम दो, वरना वरना हाँ वरना वरना क्या? ए काम करो, तुम लोग काम करो, बिकू तू भी काम कर। सारे काम मैं ही करूं? इस नालायक को काम से भी नहीं निकाल सकता। लोगों को दहेज में मोटरसाइकिल मिली, मुझे क्या मिला? ऐसा नौकर जो जिंदगी में कभी सपने में भी काम नहीं कर सकता। अरे शुक्र करो ये तो मिला। स्टॉप इट ना यार, व्हाट इज दिस? 20 साल लगे आपको अपना ड्रीम पूरा करने में, सूर्य प्रकाश भोजनालय को बॉलीवुड कैफे बनाने में, इसलिए ताकि आप इस होटल के हर कोने को झगड़ा करने के लिए यूज करें। फॉर गॉड्स सेक, आपका स्टाफ भी हंसता है आप पर। गॉड प्लीज प्लीज इन झगड़ों को रोकने का कोई परमानेंट रास्ता दिखाओ। मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो तान्या? ताकि तुम मेरे ग्रैंडपा को एक्सप्लेन कर सको कि तुम्हें शादी से इतनी एलर्जी क्यों है। कम ऑन। अच्छा बुलाओ बुलाओ उन्हें, कहाँ है वो? आज मेरे पास फ्रेश मैटर भी है। अभी बुलाती हूँ। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। ए तान्या, हाय। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे दादाजी अल्बर्ट आइंस्टाइन है? शट अप। मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए सब कुछ है। 18 साल पहले जब इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था उसमें मेरे मॉम डैड। अच्छा, सारे साइंटिस्ट एक ही सैलून में बाल कटवाते हैं क्या? I'll kill you, Bunty. Come on, Grandpa. How's my beta? Grandpa, he's Bunty. I'm Gonzalez, Anthony Gonzalez. Hello, sir. Sir, ये क्या है? ये time machine है। वो मशीन जो हमें अपने बीते हुए कल से जोड़ेगी और आने वाले कल को खुशहाल बनाएगी। मतलब एक ऐसी मशीन जो साउंड बैरियर को तोड़कर हमें अपने कल यानी पास्ट में ले जाएगी। टाइम मशीन? प्रोफेसर वो तो सिर्फ पिक्चरों में बनती है। हाउ कैन यू मेक अ टाइम मशीन इन रियल लाइफ? प्रोफेसर बना सकते हैं। वी कैन मेक। अगर हम पास्ट को देख सकते हैं तो हम पास्ट में जा भी सकते हैं। लॉजिकली सोचो तो लॉजिक ये बताता है। व्हाट्स दिस यार, आप यहाँ बंटी को लॉजिक के बारे में नहीं शादी के बारे में समझाने वाले हैं। बात मत बदलो तान्या। सर यू आर सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो अहेड। हम अपना कल हम अल्फा सेंचुरी को देखते हैं जो हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है। हम उसे वैसे नहीं देखते जैसे कि हमें उसे देखना चाहिए, पर हम उसे वैसे देखते हैं जैसे कि वो हमें 4 साल पहले दिखता था। करेक्ट करेक्ट। सीरियस नाम का तारा जो हम देखते हैं, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे कि वो 9 साल पहले था। हम उसे वैसे नहीं देखते। बाय द वे, आईने में अपनी शक्ल देखते हो? हाँ, हर घंटे। वो भी फ्रेश नहीं होती, वो भी 10 नैनोसेकंड पुरानी होती है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें अपने कल में जाने का मौका मिले तो तुम कौन सी गलती रोकना चाहोगे? मेरे माँ बाप की शादी। यस ग्रैंडपा, दिस इज द टॉपिक शादी। आप इसे पूछिए कि ये मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। हाँ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? डर लगता है। ये सब तुम्हारे एक्सक्यूजेस हैं। अगर प्यार करने की हिम्मत है तो शादी करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। लॉजिकली तो तुम्हें ताने से शादी कर लेनी चाहिए। या स्टॉप सिंगर, डोंट स्पॉइल हर लाइफ। लॉजिकली सोचो और कल रात 12 बजे से पहले मुझे बता देना, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं टेस्ट ड्राइव पे जा रहा हूँ अपने पास में। प्रोफेसर मुझे सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि कल रात को मेरे पेरेंट्स की 35th एनिवर्सरी है।
और उनके लिए मैंने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। तुम्हें देख के सब हैरान होंगे कि अब तक इसका पति सड़क पे क्यों नहीं आया। जवेरी बाजार का ज्वेलरी शोरूम लग रही है। चोर बाजार के एंटीक जैसा दिखने से तो अच्छा है। How much he loves me, how much he loves me. Please guys, everyone enjoy the party guys. Go on. Excuse me, get me a ring please. सारे काम मैं ही करूं। भीगू चाचा, मॉम डैड हमेशा से ही ऐसे थे या ये सब शादी के बाद हुआ? अरे वो तो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे। इनकी शादी मनुष्य के इतिहास की सबसे बड़ी दूसरी गलती थी एटम बम के बाद। हालांकि गलती एक्चुअली इन विचारों की नहीं थी, तुम्हारे दादा नानी की थी। वो कैसे? फोटो बन गए, माला पड़ गई। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के बाजू में खड़ा होना आज भी गंवारा नहीं है। तुम्हारे दादाजी राय बहादुर ध्यानचंद, ना इनकी कोई राय लेता था ना ही ये बहादुर थे, खासकर तुम्हारी नानी के सामने। और तुम्हारी नानी भोली देवी, ना ये भोली थी ना ही ये देवी थी। पता नहीं क्यों अपने बच्चों की शादी करवा दी और दहेज मुझे भेज दिया साथ में। पंख होते तोड़ आती मैं रसिया ओ बाल माँ, तुझे दिल का दाग दिखलाती मैं। लो आ गए दी ग्रेट टू इन वन। टू इन वन? हाँ, कुंदन लाल सिंगर हैं, दो आवाजों में गाते हैं, मेल एंड फीमेल। किचन कुमार क्या हाल है? और ये नए दांत कहाँ से सिलवा लिए? कुंदन, व्हाट अ सरप्राइज। माला। अरे भीकू, ये डोर कहाँ से हो गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि कुंदन आ रहा है। कैसे हो कुंदन भैया? माला, किशन, मोना। अब मैं मोना नहीं, माँ चौकेश्वरी हूँ। रेलवे स्टेशन का नाम रखा? कब से? तुम इस किचन कुमार के इतने साल टिक कैसे गए हैं? क्या करें, कई बार सोचा लेकिन मालिक को भी घर से निकलना ठीक नहीं है। क्या? ये कौन है? कुंदन, ये मेरा बेटा है बंटी। हाँ। लेकिन ये तो बड़ा हैंडसम दिखता है। जैसा बाप वैसा बेटा। तू हैंडसम दिखता है। मजाक। अबे तू सिर्फ दिखता है। और वो भी बड़े अफसोस की बात है। बेटा, एक जमाने में तुम्हारे डैडी हमारे कैबरे किया करते थे। What? Dad? Really? अच्छा। मजाक कर रहे हैं। हम लोग तो है प्यारे प्यारे डैडी जी ने बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। मतलब? तुमने मेरा सांप का मंजरा दिखाई दो। किचन कुमार। शर्ट बहुत मस्त है किशन। शर्ट के बारे में कुछ मत बोलना। श्री शर्ट डाल लो। पागल है, सब लोग देख रहे हैं। अरे कम ऑन डैड, डू समथिंग। मजाक है बेटा, मजाक। चलो अभी अभी तमाम से देखो। शर्ट बहुत मस्त है किशन। मजाक ठीक है किशन, चल। अरे बचपन में किया करते हैं, छोड़ना है। अरे क्या कर रहा है किशन? शर्ट बहुत मस्त है किशन। अरे छोड़ छोड़। अरे कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। कुंदन सिर्फ मेरा दोस्त है, मैंने कभी उसके बारे में वैसा नहीं सोचा। मॉम डैड, कम से कम आज की रात तो मत लड़ो। बंटी, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? कटरीना कैफ के साथ। बंटी, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी को डिवोर्स दे रहा हूँ। अरे झूठ, बल्कि मैं उनको डिवोर्स दे रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइस हैव फन, आई एम लीविंग। बंटी, बंटी, साथियों, दो लोगों की 35 साल पुरानी गलती के इस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री कुंदन लाल जी को कि वो यहाँ पर दो आवाजों में एक गाना गाए। चलो ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गाना मैंने अपनी प्यारी दोस्त माला की किशन के साथ हुई शादी के बारे में बनाया था। सो कैन वी चेंज द मूड नाउ? Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies, all my ladies and my mans and all my ladies, you can do it like this. जब मॉम डैड की कोई लव स्टोरी ही नहीं थी तो गाने का थीम क्या था? ऐसे अनरोमांटिक कपल के लिए क्या गाना बनाया गया? और कैसे लगते होंगे ये सब लोग उस जमाने में? Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that,
shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. You can do it like this, shake it to the left. Or you can do it like that, shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. Zor ka jhatka hai zoron se laga, ha laga. Shaadi ban gayi umar qaid ki saza, ha saza. लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। Set all that is was really love. Me find myself another anytime that I see you jamming, girl, you jam this whole. Now gonna make a same mistake and get another wedding. Imagine dreaming wonder, got the same little swag. That's why take a paper, write a pen and walk the boss swag. कुछ मत बोलना माला, कपड़ों के बारे में तो कुछ मत बोलना। पूरे लोखंड वाला में मेरे जैसे कपड़े कोई नहीं धोता, समझी? अरे मैं धोने की नहीं पहनने की बात कर रही हूँ। और मेरे मरने के बाद भी तुम यही कहोगे ना कि अर्थी पर डालने की चुनरी खादी की खरीदना? नहीं नहीं, तुम तो उस वक्त भी खड़े हो जाओगी, बहस करने लगोगी कि चुनरी कांजीवरम की नहीं ला सकते थे तुम। एग्जैक्टली, मेरे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो कुछ मांगू। जीते जी मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें। क्या दिया? एक कुत्ता भी खरीद कर दिया मुझे। हमारे सारे पड़ोसियों के पास कुत्ते हैं, हमारे पास ही नहीं। मैं हूँ ना, फिर घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते की क्या जरूरत है मैडम? अरे कुत्ता कम से कम मुझे कंपनी तो देगा, मेरे साथ घूमने फिरने तो आएगा। मैं तुम्हारे साथ घूमने फिरने नहीं आया। कहाँ गए? मुझे बाहर ही कब ले गए? याद दिलाऊं? हनीमून पर। और वो भी क्या सोचा था, कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, और कहाँ ले गए? हुमली। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ तुम्हें किसी का बंगला मुफ्त में मिल रहा था। किशन, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की। पिक्चर ले जाना, डिनर पे ले जाना, पिकनिक तो दूर की बात, तुमने कभी मुझसे प्यार की दो बातें तक नहीं की। ताली दो हाथ से बजती है माला, शादी से पहले भी तुम मुझसे नफरत करती थी और शादी के बाद भी। मैं यूं ही नहीं कि दिन रात अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में खोने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी यूं ही शॉपिंग नहीं करती रही पागलों की तरह। किशन, अगर आज मैं शॉपहोलिक हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं खुशी इन गहनों, कपड़ों और जूतों में ढूंढती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे वो सुख इन चीजों में कभी नहीं मिलेगा। मेरे 9,35,55,315 रुपए खर्च होने के बाद पता चला तुम्हें? नहीं, अपनी जिंदगी के 12,054 दिन और 23.5 घंटे तुम्हारे साथ बर्बाद करने के। Mom!
डैड मॉम मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगा नहीं होने दूंगा जानता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा पागलपन करने जा रहा हूं लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस डिवोर्स को रोकने का इनके आज को बदलने के लिए मुझे इनका कल बदलना ही प्रोफेसर प्रोफेसर आखिर तुम आई गए वेल यंग मैन क्या फैसला किया तुमने तानिया से शादी करने के बारे में प्रोफेसर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं रिक्वेस्ट साल एंटर करो कोई भी साल 1975 तुम्हारा बर्थ ईयर है नहीं सर मेरे पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी तब तो शादी और जन्म का क्या संबंध है खैर शहर बताओ मुंबई बस आई मीन बॉम्बे था किसी चीज को हाथ मत लगा नो खास करके ये लाल बटन इसे दबाने से मशीन फ्लाइंग मोड में आ जाती है समझे या संभाल के किसी चीज को हाथ मत लगाना केयरफुल शादी उसके साथ कभी नहीं होगी का प्रोफेसर ना Thank you.
प्रकाश भोजनालय, दादाजी का रेस्टोरेंट। पाकिस्तान वॉर फिर से शुरू हो गया है। राय बहादुर वर्सेस भोली देवी। दादा नानी, दादाजी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ की टहनियां काटने की? हैं? किसने इजाजत दी तुम्हें? होली जलाने के लिए मेरा ही पेड़ बचा था। आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, बस मेरे बेटे को आ जाने दो। तुम्हारा बेटा? उस नाजुक कली को बेटा कहते हो तुम? और करेगा क्या, टहनी को वापस जोड़ देगा पेड़ से? नहीं, बहुत ताकतवर है वो। अच्छा, एक सांस में पूरा पेड़ उखाड़ के अपने घर में लगा सकता है। आज मैंने तुम लोगों को गोली नहीं मारी तो? गोली सेठ, गोली की क्या जरूरत है, आइटम बम है ना, आइटम बम कहाँ है? ये लो। किशन बेटा, जरा मेरी बंदूक देना। कौन है आप भाई साहब? तेरा बाप गधे। सॉरी बाबूजी, मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी, पर जब आपने मुझे गधा कहा तो मैं एक सेकंड में समझ गया। अच्छा बकवास बंद कर, जल्दी से मेरी बंदूक दे। ये लीजिए पिताजी। ला। संभाल के रुकना वहीं। हाँ ऐसे ही खड़े रहो, एक दूसरे के पीछे, एक ही गोली से काम चल जाएगा। ये लो, देखता हूँ आज कौन बचाता है तुम लोगों को। मैं बचाऊंगी इन्हें। नानी, संभाल के नानी, ये कांच का टुकड़ा लग जाता आपको। राय बहादुर, ये सब क्या हो रहा है? क्यों डरा धमका रहे हो इन भोले भाले बच्चों को? भोले भाले बच्चे, ये देखिए इन बंदरों ने मेरे पेड़ पौधों का क्या हाल किया है। मैं जानती हूँ, मैंने ही डालियाँ कटवाई हैं। आपने क्यों कटवाई मेरी डालियाँ? आपको क्या आ गया डालियाँ कटवाने का? ये पेड़ मेरा है। चुप! दो चार डालियाँ काट ली तो इसमें कोई इतनी उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, समझे? जब देखो मेरे जामुन का पेड़, मेरे गुलाब के पौधे, अरे चिड़िया कौवे और कबूतर भी अपने घोंसले नहीं बनाते इस बांज पेड़ पर। और यहाँ इस जामुन के पेड़ के नीचे ये गुलाब के पौधे रखकर क्या गुलाब जामुन उगाएंगे? मैं गुलाब जामुन उगाऊं या गुलकंद बनाऊं, आपको इससे क्या? ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये बंगला जिस पर आप कब्जा करके विराजमान हैं वो भी मेरा है। हाँ, मैं आपको इस घर से निकाल के रहूंगा। इंदिरा जी से मेरी पहचान हो गई है, मैं आप पर इमरजेंसी लगवा दूंगा। वो तो 3 महीने बाद ही लगने वाली है दादाजी। दादाजी तू कौन है बे? ईंट का जवाब पत्थर से देने का बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे पास बाबूजी। कमीनो, अब देखना पूरा है, क्या कर रहे हो? अभी पता चलेगा किस मिट्टी से बना है मेरा बेटा। ये है मेरी डैड और इस मिट्टी से बने। मेरे बाबूजी को फुगा मारा, मेरे बेचारे खरगोश जैसे नाजुक, कछुए के जैसे निर्दोष और कबूतर के जैसे। ओए मेरी तारीफ करना बंद कर, जवाब दे। जी जी। ये ईंट का जवाब पत्थर। बाबूजी शायद नल के पानी में दबाव कम था इसलिए। बाबूजी नहीं, बाबूजी गधा नहीं, बेवकूफ गधा है। कुर्ता बहुत मस्त है किशन। कुंदन बाबू, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो कुर्ता उतार इसका। सब काम मैं ही करूं। नहीं कुंदन बाबू, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे कपड़े मत फाड़ो। माला की टोली आ गई तो चलो बाद में निपटते हैं। बीकू चल,
माला। अब ठीक है? अब ठीक तो है ना? ये साले लुच्चे मेरे पे पैर रख के चले गए। आप कौन हो? बाद में बताता हूँ। बाय। माँ आ गई। माँ आ गई? क्या बोला? नहीं, इसलिए तो ना प्रोफेसर, आप ही बता सकते कि मैं वापस कैसे जा सकता हूं। लेकिन तुम यहां आए क्यों? तुम्हारा मतलब तुम अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ प्यार करवाने के लिए यहां आए हो? What a rotten idea, बकवास आइडिया है। अरे आपने ही दिया था। अच्छा प्रोफेसर, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कितने पैसे चाहिए? वैसे प्रोफेसर यू आर अ रिच मैन, बट आपको जितना भी देना है। तानिया के लिए। तानिया के लिए? अबे ओए, दो दूध पाक चाय देना। जुली कुंदन भाई, I love you। जुली कुंदन भाई। क्या कुंदन भाई? जिंदगी भर कुंवारी रहने की इरादा है क्या?
कभी प्यार ब्यार लड़की बड़की के बारे में सोचा है कि नहीं, या वो भी मैं ही सोचूं? सोचा, किया भी। अच्छा, तीन बार। पहली बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ कमला, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? लव मैरिज? लव मैरिज? क्या? लव मैरिज? नतीजा, हम लड़का लड़की की मर्जी से होने वाले एक ही बंधन को मानते हैं, और वो है रक्षाबंधन। पहली बार लव मैरिज के बंधन में बंध ना सका तो क्या हुआ, दिल में अभी भी लव मैरिज की तमन्ना बाकी थी। ये ना मेरी शादी का कार्ड। उसने अपनी अरेंज मैरिज का कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। तीसरी बार तो लव मैरिज करने के लिए मैं मंदिर तक पहुंच गया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। नहीं! जब लव मैरिज ही नहीं होनी तो लव करके क्या फायदा। लो गिलास रख दो है? और पैसे देना मत भूलना। गदे जी, ये क्या कर रहा है? बाबूजी पकोड़े तल रहा हूँ। अच्छा, ये ले, 10 रुपए रख घर के खर्चे के लिए जी। और अगर मेरी गैर हाजिरी में गुलाब के पौधों को कुछ हुआ तो मैं तुझे जानू भेज दूंगा। लेकिन बाबूजी ये कैसे मुमकिन है? चुप गधा, कितनी बार कहा है गाड़ी स्टार्ट रखा कर, हैं? हिरन आ जाएगी। कहाँ ले चलूं? ऑल इंडिया रेडियो। जी मैडम। क्या जी मैडम, मुझे वीटी स्टेशन जाना है। ठीक है ड्राइवर, इन्हें वीटी स्टेशन छोड़ देना, लेकिन पहले ऑल इंडिया रेडियो चलो। और अब चलो। लेकिन मुझे जल्दी है, ये गाड़ी मेरी है। चल, 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 चल। आज तो किचन कुमार को जोर का झटका लगेगा। अब देखना मैं क्या करती हूँ। चलो चल, चल, चल। हेलो, कौन? किशन। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जमुना बुआ बोल रही हूँ। जमुना बुआ, पायलागू, कहाँ से बोल रही हैं आप? कौन सा घंटा कर गमला उठा, पौधा उठाना। सारे काम मैं ही करूं, पौधा उठा के बात करूं? हाँ किशन, पौधा उठा के बात कर। मुझे तो लगता पागल हो गई है बुआ जी। ये उठा। कैसा है बुआ जी? भारी है। चलेगा बुआ जी, लेकिन इस वक्त आप कहाँ से बोल रही हैं? अरे मैं कहाँ रहती हूँ? जयपुर बुआ जी। तो जयपुर से बोल रही हूँ। लेकिन आपकी आवाज़ तो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। तो चिल्ला क्यों रहा है बेवकूफ? बुआ जी, बाबूजी ने कहा कि ट्रंक कॉल में जोर से बोलना चाहिए। वो तो गधा। शायद आपको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन वो मुझे मार डालेंगे। अगर उसने कोई बदतमीजी की तो लात मार के घर से निकाल देना। लेकिन बुआ जी, वो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरी माँ का खून चूसता है वो। लेकिन आप लोगों की माँ तो मर चुकी है ना? अरे मैं तो अपनी माँ के बारे में कह रही हूँ। बाबूजी और आपकी माँ एक नहीं है? ना बाबा ना, वो तो नौकर का बेटा है। नौकर मर गया तो मेरी माँ ने उसे पाल पोस के बड़ा कर दिया। क्या, मेरे बाबूजी नौकर के बेटे? इसका मतलब मैं नौकरों का पोता हुआ? अरे भीकू से पूछ, भीकू से। भीकू भी जानता है ये बात? हाँ, भीकू का तो सगा भाई है तेरा बाप। ऐसे चंडाल नीच कमीने पड़ोसियों का नौकर है मेरा चाचा। ए किशन, पड़ोसियों को गाली देते हुए शर्म नहीं आती? क्यों ना बोलूं बुआ जी, क्यों ना बोलूं? माँ डायन है, बेटी भूतनी है। पता है पिछले महीने उन्होंने मिलके अपने दोस्तों के साथ मेरी बाबूजी की धोती खींच दी, पता है आपको? वैसे ये नजारा देख के मैं भी खूब हंसी। मुझे भी बहुत हंसी आई थी। लेकिन बुआ जी, वो मेरे बाबूजी है ना, चाहे नौकर के बेटे हो। बुआ जी, वो पोपट फूफा कैसे हैं? पोपट? पोपट तो उड़ गए। अबे गए तो गए, जाने दो, दूसरे है ना। दूसरे? इस उम्र में दूसरे? अरे यही तो उम्र है मौज मस्ती करने की। दूसरे फूफा का नाम क्या है? बेल। बेल? बेल? पोपट के बाद बेल है? अरे दो है, दो। आप दो बैलों के साथ हैं? भीखू कुंदन भागो।
बीकू कुंदन चोर चोर मेरे बाबूजी के पौधे ये भी टूट गया चोर चोर तुमने क्या किया माला बाबूजी ने कहा था पौधों की रखवाली करने मेरे बाबूजी मुझे जिंदा जला देंगे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे हमारे बारे में क्या कहा था फोन पर भूतनी डायन हाँ अरे आज तो तुम्हारा वो हाल करेंगे पूरा मोहल्ला थू थू करेगा तुम पर मतलब कुंदन मतलब उस दिन तेरे बाप की धोती उतारी थी आज तेरी बारी है संभाल कुंदन बड़ा नाजुक है हमारा किचन कुमार ये कुत्ता मुझे दे दे मेरे गुलाब कहाँ हैं कहाँ हैं गुलाब सारे गुलाब सूख रहे थे तो मैंने उनका गुलकंद बना दिया गुलकंद कहाँ है वो गुलकंद माँ की बरसी थी तो माँ को खिला दिया नहीं बैल को खिला दिया माँ की बरसी थी तो गुलकंद बैल को खिलाना चाहिए था या गाय को गाय को तो जी मुझे पता ही नहीं चला कि वो गाय है कि बैल है क्यों बैल पतलून पहन के आया था कि पता नहीं चला गधा कहीं का जा जाके मेरे लिए एक पान लेकर आ आज मूड है पान खाने का बाबूजी पैसे सुबह तो दिए थे पूरे 10 रुपए वो मैंने दोस्त को उधार दे दिए कितने ब्याज पर जी एक टका एक भी नहीं अगले 24 घंटे में अगर तू पैसे लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें बेचकर वसूल करूंगा पैसे लेकिन बाबूजी मुझे खरीदेगा कौन चुप चल बेवकूफ गधा आप कौन है 10 रुपए और ये 8 आने प्याज लेकिन ये मैं कैसे ले सकता हूँ मैं नहीं ले सकता रख लीजिए मेरा जो भी है वो आपका ही है और मैं भी नहीं 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 आपको मेरे पाँव नहीं छूने चाहिए किशन आप एक काम करिए ना आप मेरे साथ मेरे भोजनालय चलिए एक चाय पिलाता हूँ आपको या तो घर चलिए मैं आम का पन्ना बनाता हूँ यही तो मुसीबत है ना किशन आपको आम का पन्ना नहीं बनाना है क्यों देखिए मैंने आपकी मदद की है ना जी तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं जान दे दूं अरे नहीं हाँ हाँ मैं जान दे सकता हूँ नहीं, 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 किशन किशन सुनिए आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा हाँ बताओ वो माला है ना माला वो डायन माला डायन माला आपको उसको क्या उसको आम का पन्ना पिलाना नहीं 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 नहीं
आपको उसे गिराना है। वो लड़की तो पहले ही गिरी हुई है, उसे और कितना गिराना। नहीं नहीं, मतलब लिटरली गिराना नहीं, कैसे समझाऊं। हाँ देखिए ना, आपको उसके साथ गुलू गुलू करना है। गुलू गुलू? गुलू गुलू नहीं। भगवान कैसे समझाऊं। हाँ देखो ना, देखो। ओके सुनिए, ये आप है, हाँ। ये माला है, हाँ। और ये गुलू 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 गुलू, और ये मैं हूं। ये लो अपने पैसे, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन ये गुलू गुलू नहीं करूंगा माला के साथ। किशन किशन, अरे दोनों ही तरह से मेरे ही बैंड बजाने पर तोले हो। किशन किशन, अगर आपने माला को बस में किया तो मैं आपको पूरे 5,000 रुपए दूंगा। मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है कि आप माला को अपने बस में कर सकते हैं, और अगर ऐसे हुआ तो मैं शर्त में पूरे 10,000 रुपए जीत जाऊंगा और 5,000 रुपए आपके। सोचिए किशन, आप उस पैसे से अपना सपना पूरा कर सकते हैं, सूर्य प्रकाश भोजनालय को एक ट्रेंडी रेस्टोरेंट बनाने का सपना। करना क्या होगा? Yes 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 yes, come on. Okay, let's start. हाँ, सबसे पहले अपने मन में माला का चेहरा देखने का, please, माला का चेहरा देखने की कोशिश कीजिए, that's all. लेकिन आपको माला अच्छी क्यों नहीं लगती? कैसे लगेगी, बेशरम लड़की है, खुलेआम मेरा हाथ पकड़ती है। कोई भी लड़की अगर मेरा हाथ पकड़े, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़कियां आपका हाथ पकड़े, ये आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। सब कुछ ठीक ठाक है ना किशन? क्या मतलब? देखो ना भाई, जब आप पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करते वक्त ऐसे किसी ख्याल का आना जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था? हाँ, ऐसा तो मेरे साथ अक्सर होता है। थैंक गॉड। बंटी भाई, कई बार पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। कैसे कैसे क्या? हाँ बताता हूँ बंटी भाई, बताता हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जैसे कि बाजार में बैंगन नहीं मिला तो मैं भरता कैसे बनाऊंगा, जैसे कि गोलगप्पे खा के मुझे 10 लग गए। नहीं नहीं बाबा नहीं, ऐसे ऐसे ख्याल की जहाँ जिसमें, अरे समझा करो ना यार, जो चीजें आपको मुझे सिखानी चाहिए थी वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बंटी भाई थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। वही है ना कि मैं फेरे लिए जा रहा हूँ और शादी के समय नजर अग्नि की जगह सूरज पर टिकी होनी चाहिए। क्या मतलब? अरे मतलब कब सूरज ढलेगा और कब मैं जाके बराबर है। अब वो ही फीलिंग्स आपको माला को देख कर फील करनी चाहिए। अरे कभी करीब से देखा भी है आपने माला को? मतलब उस तरह से एडल्ट तरीके से? अरे बाबा प्यार से, उसका भोलापन, उसकी मासूमियत, उसकी नजाकत। बेचारी का अपनी माँ की सिवाय इस दुनिया में है कौन? जानता हूँ। पर भोली देवी पेट काट काट कर दिन रात ऑल इंडिया रेडियो जाके गाती रहती है। वो क्या गाती है बेचारी? हे भगवान, इसलिए ना माला के सर पे हाथ रखे उसे समझाने वाला भी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? आप है बाबा, आप। हाँ, मैं ही समझाऊंगा माला को। तो चलिए अभी दिखाता हूँ माला कितनी नाजुक, प्यारी और भोली भाली है। चलो किशन चलो। बंटी 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 आराम से चलो।
क्यों, आज क्या हुआ? अंधेरा है ना, तो उसका भोलापन ठीक तरह से नजर नहीं आएगा। बंटी भाई एक बार कोशिश करें, एक बार, मेरा दिल कहता है एक बार। ए, कितनी बेताबी किशन, नहीं कल देखते हैं। कम, 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 कम। तीन कालबा देवी टिकेट। अच्छा एक बात बताओ, टिकेट टिकेट, तुम्हारा किशन के बारे में क्या ख्याल है? अरे बहुत ही घटिया ख्याल है। इतनी नफरत अच्छी नहीं है माला। तो मैं क्या करूं, उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठता है और मन करता है उसका सर पकड़ के। अरे मुझे पैदा तो होने दो मेरी माँ। क्या, कैसी लड़की हो तुम, तुम्हारे में नजाकत, भोलापन, मासूमियत ऐसी कोई चीज है ही नहीं। नजाकत, मासूमियत, भोलापन, वो क्या होता है? ये सब वही होता है जिससे एक लड़की मॉडल बन सकती है। इसका मतलब तुम कभी मॉडल नहीं बन सकती माला। बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि मैं बनना भी नहीं चाहती। मैं मॉडलिंग क्यों करूं? अमीर बनने के लिए, मशहूर होने के लिए, पर तुम बनी नहीं सकती ना। मैं बेकार में 10,000 की शर्त लगा बैठा कि माला मॉडल बन सकती है, अब मैं हार जाऊंगा ना। मैंने सोचा था कि आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। 5,000 के लिए कोशिश जरूर कर सकती हूँ। ये हो मॉडल, किस चीज की, कैसी मॉडल? साबुन की। अब बोलेगी क्या कि 501 से कपड़े नहीं धोए तो मैं तुम सबको बिना साबुन के धो डालूंगी। पॉइंट टू बी नोटेड हमारा। अब तुम्हें सीधी साधी नाजुक भारतीय नारी की तरह पेश होना चाहिए, कोई गुंडी मवाली की तरह नहीं, बहुत ही नाजुक, बहुत शर्मीली बनना होगा आपको। समझ गई मैं, मुझे बिल्कुल किशन की तरह बनना होगा। आप सच कहते थे, मैं ही बेवकूफ था। माला बहुत सुशील लड़की है और मैं कितना गलत सोचता था इसके बारे में। बंटी भाई मुझे संभालो,
मुझे माला से प्यार हो गया है। मुझे पता नहीं था कि ये गुंडी नहीं गुड़िया है। गुड़िया कितनी छुई मुझे। मैं माला से लव मैरिज करूंगा, हमारे मोहल्ले का पहला लव मैरिज, और मुझे ये इतिहास बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस लव स्टोरी में पहले से इतने प्रॉब्लम्स थे और अब ये ट्रायंगल। अगर ये मॉम को पटाने की कोशिश करेगा तो डैड का क्या होगा, मेरा क्या होगा? शिट, राजेश खन्ना शादीशुदा है हमारा। अरे लड़कियां सौतेन बनने के लिए तैयार हैं, अपने खून से खत लिखकर उसे अपने प्यार के बारे में बता देती हैं। आज तो मैं स्टॉप दिस मैडनेस यार। जानती है उसकी दो बेटियां भी होंगी फ्यूचर में। वैसे माला, मैं एक बहुत अच्छे लड़के को जानता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अच्छा? वो पैसे वाला है, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, और वो दिखने में भी खराब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें संभालेगा। वो कौन है महाशय? किशन। भाई और बहनों, आपने सुना बंटी ने क्या कहा? किशन मेरी देखभाल करेगा, मुझे संभाल लेगा। अरे वो घनचक्कर अपनी पायजामे का नाड़ा नहीं संभाल सकता, और वो मुझे वो बदल गया है। बड़ा ही बहादुर बन गया वो। He's changed. अच्छा, तो मैं उसके साथ भाग के शादी करने के लिए तैयार हूँ। Really? जिंदगी भर गुलाम बनकर रहूंगी। उसे बस एक काम करना होगा। करेगा, डन। सबके सामने मेरा हाथ पकड़ कर कहना होगा, माला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहेगा ना, किशन कहेगा, बदल गया है वो। कहने दो। करेगा माला, वो करेगा, किशन करेगा। उसे कहना ही पड़ेगा, और अगर उसने नहीं कहा तो मैं तुम्हारे भी लगा। करेगा वो माला, किशन बड़ा बहादुर बन गया। मैं अभी उसे जाके बात करता हूँ। भाग निकलो किशन। बंटी भाई देखो किशन, अब ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मुझे मेरी इज्जत से ज्यादा मेरी जिंदगी प्यारी है बंटी भाई। वो औरत मेरा बैंगन का भरता बना देगी। I did not want to do this, Kishan. I didn't want to do this, Kishan. I didn't want to. और अगर आपने ये शर्त जीत कर नहीं दिखाई तो मैं आपका कचुंबर बना दूंगा। वो कह दिया कि किशन मुझसे शादी करने के लिए कहेगा तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रहूंगी। अगर मैंने उससे शादी की तो भविष्य में मुझे उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ऑलरेडी बन चुके हो। अरे मैं तो आपके भविष्य को बदलने को ही आया हूँ ना मेरे बाप। वो माला मेरा भविष्य रहने देगी तब ना। मेरा पीछा छोड़ बड्डी। उसने मेरी माला पे नजर डाली, मैं उसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि वो सपने में भी माला के बारे में नहीं सोचेगा, और फिर माला बनेगी मेरे गले की माला। सबके सामने ये ऐलान करेगा कि वो माला से शादी करना चाहता है। तालियां। अगर मैंने इसको कुछ भी कहा ना तो ये मुझे मार देगी। बंटी भाई मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे बंटी भाई। Come on, किचन। अब चिल्लाकर माला को अपने पास बुलाओ। गो। माला यहाँ आओ। वो नहीं आना चाहती, घर चलते बंटी भाई। चलो चलो चलो। कबूतर को बुला रहे हो क्या? ऑर्डर तो उसी रोब से बुलाओ किशन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। माला क्या है यहाँ?
वो नहीं आना चाहती घर से। किशन कमान, किशन कमान, यहाँ तू, यहाँ। अच्छा घर चलते, घर चलते बंटी भाई, घर घर। देखो किशन, अब पीछे नहीं हट सकते आप, छत लग चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है किशन। फॉर गॉड सेक गो, और अपनी जिप बंद करो। तू भी ना बंटी भाई, पहले नहीं बता सकता। और अपनी चाल बदलो किशन। पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। एक लड़की का हाथ पकड़ कर तुम बेहोश हो गए। तो कितनी जोर से मुझे झटका लगा। बिजली का खंबा थी क्या माला? You know what? I quit. मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जहन्नुम में। आपको प्रॉब्लम है? तुम इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। आपको आगे लाने के लिए मैं बहुत पीछे चला आया हूँ, बट इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि तुम नहीं बदल सकते। You know, I'm sorry to say this, पर आप जिंदगी भर लल्लू के लल्लू ही रहेंगे। चाहते हो तो बंटी भाई मैं आपको रोकूंगा नहीं। हाँ, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से स्मार्ट या लल्लू पैदा नहीं होता। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे सौतेली माँ ना मिले, इसलिए बाबूजी ने दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली। किशन जो है किचन कुमार बन के रह गया। बस उसके बाद बाबूजी के लिए उनका बेटा भी मैं और जीवन साथी भी। घर पे बाबूजी का ध्यान रखता और भोजनालय पे कस्टमरों का, बस इतनी सी थी मेरी जिंदगी। अब आप ही बताओ बंटी भाई, इतनी जिम्मेदारियों के बाद मैं इस दुनिया से कैसे तालमेल बनाकर रखता, बताओ। अब आप भी चले जाओगे तो ये लल्लू तो लल्लू का लल्लू ही रह जाएगा। मैं भले ही बुद्धू हूं लेकिन अपने बेटे को बहुत स्मार्ट बनाऊंगा, बिल्कुल आपकी तरह। कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा उस पे, उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे नहीं आता। उसे मैं वो सारी खुशियां ला के दूंगा जो कभी मुझे नहीं मिली। आप देखना बंटी भाई, मेरा बेटा जो है ना वो कभी मेरे जैसा नहीं बनेगा। एक बात कहूं, आई लव यू डैड, आई लव यू डैड। तो मुझे डैड क्यों बोलते हैं? वो आपको 30 साल बाद पता चलेगा। अब देखना डैड, मैं माला की ऐसी की तैसी कर डालूंगा। आई लव यू डैड। लेकिन माला को ज्यादा मत सताना बंटी भाई। किशन का चेहरा देखा था? चेहरा भी मैं ही देखूं। अरे वो तो इतना कापरा था कि मुझे लगा उसका पुर्जा पुर्जा एक एक करके बिखरने लगेगा, लेकिन इससे पहले तो खुद ही बिखर के ढेर हो गया। दोस्तों किशन का काय पोचे मुबारक हो। अच्छा,
जी भर के कोका कोला पी रहा हूं, वैसे भी 2 साल के बाद बैन होने वाला है। अरे बंटी आओ बैठो, बोलो क्या लोगे? अरे वहाँ बेचारा किशन तकलीफ में है और तुम लोग यहाँ बैठकर। तुम्हीं ने तो दावा किया था कि किशन बड़ा बहादुर बन गया है, मैंने आई थी पूछने। और रहा सवाल जश्न का, तो मैं अपनी जीत का जश्न नहीं मना सकती क्या? अपनी जीत का जश्न मना रही थी तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम जश्न मना रहे हो किसी की हार का, किसी की बेबसी का। दुनिया के सामने पत्थर जैसी होने का नाटक करते करते तुम सचमुच पत्थर जैसी बन गई हो माला। रुको रुको, जिसका बाप ना हो और माँ काम पे जाती हो, उसे दुनिया के सामने मजबूत बनकर ही रहना पड़ता है, वरना ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी। बाबा के गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है बंटी। राशन लेने जाती तो राशन वाला जानबूझ के माँ का हाथ छूने की कोशिश करता था। डॉक्टर के यहाँ जाती तो वो बार बार कान वाली नली से सांस दिलवाता रहता था। माँ बहुत सुंदर थी पर अकेली। एक बार एक शराबी वरमाला लेके हमारे घर में घुस आया, माँ तो डर के मारे शोर मचाने लगी। बस उसके बाद माँ ने फैसला कर लिया, माला जीना है तो दुनिया को निराश मार के जियो, ये दुनिया बलवानों की, कमजोर रहोगी तो सहना पड़ेगा। I didn't know. किशन अपनी आंखें बंद करो। छुरा तो नहीं निकालोगे? अरे नहीं नहीं, ये ले कर ली। थोड़ा मुस्कुराना। वाह भाई वाह, इनका तो टोटल रेनोवेशन करना पड़ेगा। आंखें खोल लूं? सॉरी डैड। मेरे दांत। अरे कौन से हाथी के दांत थे जो इतना चिल्ला रहे हो? कैसा लगा बंटी भाई? 4 मारे मैंने। सत्रह 18 19 20 गजनी कौन है? अरे कोई नहीं, तुम करते रहो। We are coming, माला, we are coming. ये क्या? ये तो सिर्फ 200 रुपए है। तो? इतने में तो कुंदन को मैं सिर्फ 7 दिन के लिए जेल में बंद कर सकता हूँ। 7 दिन में मेरा काम हो जाएगा। अच्छा? लेकिन मैंने किया क्या है? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, हैं? खुद नहीं सोच सकते कि पिछले 7 दिनों में तुमने क्या क्या गलत काम किए हैं? सोचो, 7 दिनों तक सोचो। 1, जोश में आके गाना मत, सिर्फ होठ हिलाना, गाना मैं गाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, माला को भाव मत देना, उसे अपने लिए तरसाओ, तड़पाओ, सुनो भाव। Yeah.
पीछे। सर सबसे पहले आपको मिलना है पीटी उषा से, आज ही मिल लेना वरना वो भाग जाएगी सर। इसके बाद आपको मिलना है सैफ अली खान से। सैफ अली खान, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया तुमने? हाँ। क्या कहा उसने? उन्होंने सीधा अपने बाजू पे किशन का टैटू बनवाया। बेवकूफ कहीं का। इसके बाद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और बराक ओबामा आपसे मिलना चाहते हैं सर। भाई उनसे कह देना इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते से। देखो किशन, आवाज नीचे। अभी तो सही है, दो दिन बाद तो आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। क्या ये जरूरी है कि आज भी आप जैसे बड़े होटल के मालिक खुद भाजी खरीदने बाजार जाएंगे? देखो, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए,
लेकिन उसके पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए। क्या हमारे वहाँ वो नौकर है, क्या नाम है उसका? भीखू। भीखू, भीखू, अगर वो 11 घंटे काम करने को तैयार नहीं है, निकाल दो उसे। वैसे भी उसे खाना बनाना नहीं आता, और भी लोग हैं यहाँ जिन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। ए, देखो किशन। आवाज नीचे। यस सर, लेट्स गो। ड्राइवर, ड्राइवर, ऑल इंडिया रेडियो चलो। बोली बहन, मैंने वो काली वाली गाड़ी आपके लिए खाली रखी है, और वो ड्राइवर भी। मान लीजिए आज से वो गाड़ी आपकी है। बहादुर भाई, वो तो मैं हमेशा मानती थी। नहीं नहीं नहीं, अब तो मानने की भी जरूरत नहीं है, वो सचमुच गाड़ी आप ही की है और ड्राइवर भी। ठीक है ड्राइवर। जी मैडम। साहब को भोजनालय ले जाओ, आज से तुम्हारी ड्यूटी इन्हीं के साथ है। जरा दरवाजा बंद कर देंगे प्लीज। चलो ड्राइवर। या तू अब तो आजा आजा शोला सा तंदे। क्या है अभी मैं ही पूछूं बात क्या है? नाम क्या है तेरा? कुंदनलाल। और आपका? रमन राघवन। रमन राघवन। भाई साहब आप करते क्या हैं? खून। ये क्या कर रहा हूँ मैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अरे भीकू दगाबाज, हमारे यहाँ आज तक तूने एक चम्मच नहीं धोया और यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी धो रहा है। जर, देख नहीं रही हो, काम कर रहा हूँ, काम के वक्त बात नहीं करता मैं, ऐसा मालिक ने कहा है। अबे मालिक, कौन मालिक? देखो! नमस्ते मालिक। कितनी बार कहा है कार साफ करते वक्त बेकार लोगों से बातें मत किया। देखो किशन। आवाज नीचे। मुझे बर्फ चाहिए, कुछ बनाना है। पंटी, इनके घर में एक नया फ्रिज डलवा दो ताकि यहाँ आने के लिए बहाने ना बनाएं। कोई बहाना बनाकर नहीं आता। आवाज नीचे। मैं तुम्हारे लिए कुल्फी बनाना चाहती थी, इसीलिए। कुल्फी और तुम? अगर तुम जिद करोगे तो सीख लूंगी। सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है मिस माला। तुम बनाओगी कैसे? दूध, मलाई, केसर, पिस्ता, शक्कर, संचा तो है, बर्फ तुमसे लूंगी। तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी तुम कुल्फी बना नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज नहीं है,
और वो है प्यार। जाओ जाकर किसी बेबस इंसान के कपड़े उतारो और 10 का नोट उसे छीन लो और जाकर बाजार में कुछ खा लो। You're so mean, Kishan. और निकलो भी खो, निकलो, निकलो इधर से। बर्बाद हो गया हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है माला? दिख नहीं रहा, मैं खाना बना रही हूँ माँ। ओह तभी मैं सोचूं ये गटर की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे नहीं। ये कुकर तुमने कब से चढ़ा रखा है? दोपहर से। क्यों? तेरी माँ की दाल, इसकी बदबू तो हफ्ते भर तक नहीं जाएगी। रात का खाना दीवार से निकाल कर खा लेना। छोड़ो माला, छोड़ो। Making a cup of tea is not your cup of tea. जाकर किशन से कुछ सीखो। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा घमंडी किशन। किशन और घमंडी? खा गई ना धोखा। किशन के कपड़े, कॉन्फिडेंस और किस्मत बदले हैं, पर उसका दिल इज जस्ट एज इट वॉज, गोल्डन, मासूम, प्यार से चलता। चाहो तो आजमा कर देख लो माला। क्या है? ए भीकू, नमक हराम, दरवाजा खोल। आज ग्राहकों के लिए होटल बंद है, आज किशन सेठ जी का जन्मदिन है, अभी यहाँ उनकी कई पार्टियों में से एक पार्टी चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या माला? नजर आया घमंडी किशन या डार्लिंग किशन? रात को पता चलेगा क्या नजर आया। यार टू क्यूट नाउ बट भाई क्या कह रही थी वो? क्या पता चलेगा बताओ ना। अरे जो भी पता चलेगा, अब तो माला को कोई भाव नहीं दोगे बस। बंडी मैं दूंगा उसे, मेरा मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं बंडी भाई, थोड़ा तो दूंगा। आवाज नीचे। तुम्हारी वजह से मेरी मालू नाराज होकर चले गई। मालू? माला से मालू? कितने प्यार से लाई थी वो केक, चले गई ना गुस्सा होके। अब मुझे मनाने जाना पड़ेगा। Have to say sorry to her. नहीं, सॉरी तो वो कहेगी, गुस्सा अभी तक वैसे का वैसा है किशन, उसे काबू में लाना ही होगा। जाइए अभी आप ऊपर जाइए, कम तब तक मैं आगे आगे सोचता हूँ। कुछ सोचा? एक मिनट तो दो मेरे बाप, कम ऑन। माँ बाप को पाल पोस के बड़ा करना कोई खाने का काम नहीं है भाई। माला रुको। क्या हुआ माला, तुम रो क्यों रही हो? माला क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूं मोना? अरे लेकिन हुआ क्या, वो मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहा है? क्यों नहीं समझता मेरे दिल की बात?
हे भगवान, इसका मतलब तुम भी बंटी से? अरे नहीं मोना, बंटी तो मेरे भाई जैसा है। मैं तो किशन से बंटी भाई आप बहुत जालिम हो। ये रात के 2 बजे क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? कुछ नहीं पिताजी, मैं अपने बर्थडे का केक काट रहा था। आइए ना, थोड़ा चखिए। आइए बाबूजी, आइए। ये देखिए, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको डायबिटीज है ना। क्या जहर डाला इसमें? टिक 20। जानता हूँ बाबूजी, रेसिपी में गड़बड़ है, लेकिन एक चीज तो जी भर के दिल से डालिए, अपना प्यार। माँ का प्यार ना? माँ की याद आ रही है? ऐसी गुमसुम रातों में मुझे भी बीना की बहुत याद आती है, पर क्या करूं बेटा, अगर तू शादी के लिए हाँ कर दे तो ये घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। पिताजी मेरी तरफ से तो हाँ ही हाँ, हाँ, हाँ। मैं कल ही पंडित जी से बातचीत करके पूछताछ करता हूँ, कोई ना कोई विधवा डिवोर्सी मिल ही जाएगी मेरे लायक। बीना, अपनी शादी की सोच रहे हैं? What a rascal! नहीं बंटी भाई, रास्कल तो मैं हूँ। अब बहुत तंग कर लिया मैंने माला को, बस। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब वो बेचारी बदल चुकी है, अब वो पहले जैसी नहीं रही मेरी मलिका। मलिका, मैं जा रहा हूँ। रात के 2:30 बजे तो हमारे यहाँ भी लड़का लड़की को प्रपोज करने नहीं जाता। सुबह तक वेट करो, सुबह जाकर कह देना अपनी दिल की बात। सुबह तक मैं मर जाऊंगा। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हो कब हो सवेरा। चल 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 चल, तेरी जमानत हो गई, चल चल दरवाजा खोल दे। जमानत किसने दी? बाहर गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है कोई, महेश कुमार है। कहता है कि रोज इसी रास्ते से गुजरता है और तुम्हें दो दो आवाजों में गाते हुए सुनता है। चले तेरा हो गया, चल चल। अब देखना मैं कैसा खेल खेलता हूं। किशन का पत्ता आउट और माला बनेगी अब मेरी। करीम है राघवन। ऑप्स जाओ, पॉप्स पते करो, कह दो अपनी दिल की बात माँ को। माँ को? लेकिन मुझे तो बेटी से प्यार है बंटी, भोली देवी से थोड़ी। उन बेचारी का मैं क्या करूंगा? मतलब फ्यूचर में होने वाले आपके बच्चे की माँ को। Now, come on, let's go. बाकी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था, मैं कितने प्यार से केक ले गई थी, और वो किशन। चाल बदल किशन, be cool. Come on. हाला। अब बकरी की तरह मैं ही करते रहोगे, आगे भी कुछ बोलोगे? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं यही बताने आया था कि कल वो जो केक बनाया था तुमने खाया? कैसा लगा? दुनिया में अगर कोई केक बनाना सीखना चाहे तो उसे तुमसे मुझसे तुमसे नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वो केक नहीं, वो गोबर था। माला थे तुम इतने दिन? क्या बात है, बड़े चहक रहे हो। खुशी की तो बात है, मेरी नौकरी लगी है। पूछो कहाँ? पागल खाने में। कहाँ? महेश कुमार और पार्टी में, एज अ सिंगर। महेश कुमार एंड पार्टी? और तनख्वाह महीने के 400। ये कौन सी पार्टी है, पहले कभी नहीं सुनी ये पार्टी। माला अब तुम देखना, ये कुंदन 2 आवाजों में गाकर एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। कुंदन मैं बहुत खुश हूँ, देखना तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे। थैंक यू। और वैसे भी मुझे सिंगर्स बहुत पसंद है, खासकर वो जो दो दो आवाजों में गा सकते हैं। अगर तू 2 आवाज में गा सकता है तो मैं
चार आवाज में गा सकता हूँ। अच्छा तो लगी शर्त हो जाए कंपटीशन? हो जाए और जो जीतेगा माला उसे ही वरमाला पहनाएगी। क्या माला? बीच में मत आओ। डोंट डैड। शर्त मंजूर है मुझे। डैड माला से दिल की बात करने गए थे और कुंदन से शर्त लगाकर आ गए। तुम चार आवाजों में क्या आधी आवाज भी नहीं गा सकते? पता है गुस्सा खुद पे था अपने दिल की बात में माला जी से नहीं कह सका। कहने लगा तो वो कुंदन लाल डूइट वाला, उसने अपनी टांग बीच में अड़ा दी। क्या करूं मैं? गुस्से में बिना सोचे समझे उल्टा सीधा क्या गया मैं? क्या गया अभी? अब क्या होगा बंटी भाई? अब क्या होगा? अब आप शर्त हार जाएंगे और माला कुंदन से शादी करेगी और मैं आधा ही पैदा हो पाऊंगा। भगवान जी आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज रात कंपटीशन में आप सिर्फ उसे ही जिताना जिसे मैं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ जीत सिर्फ किशन की हो। Ha ha ha!
दुआ मांगे तुझे छुए तुझे चाहे तुझे पाए तुझे तो मंजूर नहीं। Oh baby, I'm doggone crazy. Oh make me, oh break me, oh take me for you, I'm damn crazy. तेरे लव का तू थोड़ा मुझे पैशन दे, मुझे चाहती है कभी कन्फेशन दे। मैं तो हर पल सोचूं तुझे पाऊं यही चाहूं मुझे दिल में तू अपने पर सेशन दे। Oh baby, I'm doggone crazy. Oh make me, oh break me, oh take me for you, I'm damn crazy. Kundan, watch me now. जानता हूं उन लोगों ने कुछ तो चीटिंग की है, वरना वो बेसरा किशन और तुम माला, उसकी जीत में तुम बहुत खुश हो रही थी और वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात बिल्कुल सच कही तुमने कुंदन, किशन अब माला के लायक ही नहीं रहा, लड़कियां उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। रानी, प्रीति, करीना, कटरीना, दीपिका, पिपिका, अब किस किस को मैं रोकूं? बोलो कुंदन। कटरीना लिखती है मेरे सलमान में सात जन्मों तक सिर्फ तुम्हारी, बिपाशा कहती है मेरी जॉन जॉन मेरी जान मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। वाह, कौन है ये सब? और करीना, करीना का लेटर तो मैं पढ़ ही नहीं सकता बाबा, उसने सब कुछ सेफ सेफ लिख दिया। तो मैं क्या करूं? नहीं, तुम कुछ मत करो, आराम करो, क्योंकि अब जो भी करना है वो अब रॉक एंड रोल क्लब में मलिका शेरावत कर रही है। जी बुरा मत मानिएगा, आप बिल्कुल शटल कॉक लग रही है। चुप कर, इधर आ। मोना, थैंक यू फॉर सेड्यूसिंग मी। आ गई, देख रही है ना? हाँ? इस बार मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे मिलने में 7 साल और लगेंगे। साल भर में मिलता हूँ किशन। उन्हें तो एक दूसरे का प्यार मिल गया, अब हमारी बारी। देखिए, आपने जो मदद की है उसके लिए बहुत शुक्रिया मोना, लेकिन आपके और मेरे बीच का फासला मैं चाहकर भी पार नहीं कर सकूंगा मोना। किसी के चाहने या ना चाहने से क्या होता बंटी? प्यार या तो होता है या नहीं होता, इसीलिए सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो कहीं मेरा इंतजार कर रही है। माला, माला, माला। क्या है? मरने जा रही हो? हाँ। कहाँ? चौपाटी पे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दरिया में डूब के तो मुमकिन है ना, लेकिन तुम्हें सबसे
जाओ उस मलिका शरबत के पास। लेकिन माला, मैं तुम्हें यूं अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? यही माला कि रात को चौपाटी का पानी ठंडा होता है ना, तुम कल दोपहर को चले जाओ 2:30 बजे, उस वक्त पानी गर्म होगा, आसानी से ऊपर निकल जाओगी, तकलीफ भी नहीं होगी ज्यादा। रुक जाओ मेरी वैजयंती। माला, जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। माला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वो तो बंटी का एक नाटक था, वो विग वाली, वो मोना थी। मेरी जिंदगी में कोई शरबत वाली नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में कोई है तो वो तुम, मेरी गुस्से वाली, मेरी नखरे वाली। तेरा मेरा प्यार हुआ है लग जाए ना नजर, आमांग दुआएं ऐसी। तेरा मेरा प्यार हुआ है जग को ना हो खबर, आमांग दुआएं ऐसी। तेरा मेरा प्यार हुआ है लग जाए ना नजर, आमांग दुआएं। अब देख मैं क्या करता हूं। बोली देवी, आ रहा हूं मैं। अभी जानो ना यूं बहका हूं क्यों, क्यों जाने
भंटी भैया चलो 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 चलो। अरे लेकिन कहाँ शादी में? शादी हमारी इतनी जल्दी? अरे भंटी भैया अभी तो हमने सिर्फ एक डुएट गाना गाया 3.5 मिनट का। हाँ। माला तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। माँ को हमारे बारे में पता चल गया? बाबूजी मेरे जिंदा है या इनकी माँ ने उनको उड़ा दिया? कुंदन ने तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी तुम दोनों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब भागो, कम ऑन यार। लेकिन हम जा कह रहे हैं मंदिर मोड़ा तिकला जा रहा है और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई ना तो मेरा हैप्पी बर्थडे कभी नहीं होगा। कम ऑन लेट्स गो। जल्दी चला जल्दी चला जल्दी चला आगे पीछे जल्दी चला। और वीरू की जगह मौसी और गब्बर और उसके पीछे ठाकुर और रामलाल। हमारे बूढ़े माँ बाप हमें दौड़ा रहे और तुम्हें मजा आ रहा है? भाग कर शादी करने का अपना ही मजा है। तुम्हारी माँ दिवाली के रॉकेट की तरह क्यों उड़ रही है? और बताओ कल मुझसे कह रही थी माला तू आजकल बहुत हवा में रहती है। अरे मुझे कहाँ हवा के लेके जा रहे हो? दुल्हन को उठाया जाता है, दूल्हे को नहीं। दुली देवी 20 साल बाद मिलते हैं ऊपर। अरे नरक वासियों को स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलती राय बहादुर, 20 मिनट बाद मिलती हूँ यही बात। गोली चल गई, मेरी बंदूक काम करती है। कितनी बार कहा है कहीं जाओ तो बताकर जाया करो। अभी चल उल्लू का पट्टा गाड़ी रोक गाड़ी रोक, ये शादी नहीं हो सकती। नानी कल तक तो आप माला की शादी किशन से करना चाहती थी तो अब क्या हुआ? अब तो ये एक दूसरे से प्यार भी करते हैं नानी। यही तो प्रॉब्लम है, मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे मोहल्ले में आज तक मैंने एक भी लव मैरिज नहीं होने दी है। दिस इज क्रेजी है। बाबूजी अबे तुझे इनकी लड़की मिली थी लव करने के लिए, ये तो इनकी चाल है ताकि जिंदगी भर भाड़ा न देना पड़े। अरे भाड़ में क्या भाड़ा, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। वो तो वैसे भी 1978 में आप जाने वाली है। अच्छा पूरे शहर को छुटकारा मिलेगा खासकर मुझे। आपको इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं दादाजी क्योंकि 1979 में आप भी ऊपर। बंटी बंटी गाड़ी रोक। किशन गाड़ी रोकी तो हमारी भी अर्थी निकलेगी। नहीं बंटी हम अपने सपनों की बुनियाद किसी की लाश पे नहीं रख सकते। तो फिर पूरा पाप मैं अपने सिर पे लेता हूँ, आप बस पूरी इज्जत से उठा के नीचे सरका दीजिए। किशन बोलो गाके उठा लेंगे। ओके ठीक है सॉरी सॉरी किशन। शाबाश लाश और लड़की दोनों को बाहर कर दे। राम राम सत्य है राम राम सत्य है। अच्छा लग रहा है किशन, काश ऊपर राय बहादुर लेटा होता कमीना। देखो बाबूजी आपका बेटा कंधा किसी और को दे रहा। छी छी अबे तू चुप कर गाड़ी चला। जी मेरा हाथ है। शट अप। लव मैरिज नहीं हो सकती बस। माला, किशन माला किशन ना, माला माला किशन किशन कम ऑन किशन अब तो कुछ करो यार जल्दी चलो कम ऑन। देखो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। मैं मौसी से अब तो मर्द बनकर लड़ो किशन। अबे ये क्या मर्द बनेगा, ये तो गधा है गधा। और इस बात का सबूत ये है कि एक ऐसी लड़की से प्यार करता है तो लड़कियों के नाम पे धब्बा है। ये लड़कियों के कपड़ों के नीचे एक गुंडा मवाली छुपा है। कुंदन भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? चुप रहे, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा।
ये लड़की बाहर से इतनी कठोर दिखती है, अंदर से उतनी कमजोर है। कल तक मुझसे प्यार करती थी और अब इस किशन के पास दो पैसे के आ गए इसके पीछे भाग रही है। ऐसी चरित्रहीन लड़की से तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अगर माला मुझे प्यार नहीं भी करती ना तब भी मैं तुम्हें थप्पड़ मारता। कैसे आदमी हो तुम? हाँ, एक लड़की से प्यार करने का दावा करते हो, मना करते तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हो। जी करता तुम्हारी ये शर्ट उतार के ना तुमसे भरतनाट्यम करवाऊं मैं। माला इधर आओ तुम। चुपचाप माला को सॉरी बोलो। सॉरी बोलो नहीं तो इतना मारूंगा कि डॉक्टर बोलेगा घर वालों से सॉरी आपका बेटा मर गया। बोलो सॉरी। सॉरी माला। सॉरी माला नहीं, सॉरी दीदी। सॉरी दीदी बोलो। बोलो सॉरी दीदी। इट्स ओके भैया। थैंक यू। और तुम दोनों सीनियर सिटीजन, आप लोगों की यही सजा है कि समधी समधन बन के जीने आप लोगों ने, समझे? हरगिज नहीं। आवाज नीचे। किशन मम्मी है। ठीक है। बोली मौसी, मैंने और माला ने मैरिज नहीं सिर्फ लव किया है। मैरिज आप करवा दो, लव मैरिज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैं भी तो वही कह रही थी। गुड। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। इस उम्र में वैसे भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए, समझे ना? शादी हम लोग कर रहे हैं। आपको कुछ बोलना तो अभी बोल दीजिए। अबे गधे। आवाज नीचे। शादी के बाद हम लोग हनीमून जा रहे हैं। कहाँ? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स। कमाल करते हो तुम यार। तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो रही है और मेरी शादी में तुम ही नहीं रहोगे, हाँ तो फिर कैसे चलेगा? आपकी शादी में मैं रहूँ ये अच्छी बात नहीं है किशन। आपकी सुहागरात से पहले मुझे किसी भी तरह चले जाना होगा, नहीं तो डबल डोर हो जाएगा। वापस आओगे ना? आऊंगा ना, जरूर आऊंगा। और इस बार जल्दी आऊंगा, थोड़ा वजन कम करके, सिर्फ 7 पाउंड का होके। देखोगे तो समझ जाओगे। तो क्या कहते हो, किसी के कुछ समझ में नहीं। अब ये तू क्या कर रहा है? ये लो बंटी, मैंने अपने हाथों से बनाया। रियली माला? तुमने अपने हाथों से बनाया? सफर पे ले जाना, बाहर का खाना मत खाना। नहीं। खुश, खुश। तेरी बहुत याद आएगी बेटा। मुझे भी दादाजी, मुझे भी। अब मेरी इतनी ढेर सारी तारीफें कौन करेगा? हाँ, मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल नानी। अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते तो हमें वहां बुला लेना। काश ऐसा हो सकता रानी, काश ऐसा हो सकता। खुश रहो। टाइम मशीन मुझे उसी पार्टी में वापस लाई है जहां से मैं 1975 में गया था। आई होप सब कुछ बदल गया हो। क्या भीकू, किशन के लिए इतना सारा काम कैसे कर लेते हो यार? काम नहीं करूंगा तो घर से नहीं निकाल देंगे? भाई रंगीन पार्टी है, कोई दो आवाज में गाने वाने हो जाए।
तुम्हें तो पता है तुम्हारे से हारने के बाद मैंने कभी गाना नहीं गाया। अरे यार तुम तो सीरियस हो गए। वाओ डैड वेल डन। सुनिए जी जाओ, तुम्हारी बेगम बुला रही है। ये मेरे पति हैं कुंदन लाल, श्रेया बैंक के नाला सुपारा ब्रांच के मैनेजर हैं, और ये हैं मिस्टर और मिसेस खुराना। नाइस टू मीट यू। मुझे पता होता कि तुम इतना टाइम लगाओगी तो मैं तुम्हें साड़ी नहीं बल्कि एक मिनी स्कर्ट दे देता। अगर मुझे पता होता कि आप इतने बेकरार हो, मैं नीचे नहीं आती, आपको ऊपर बुला लेती। ए बुला लेते दिन। अच्छा गाइस टेक इट इजी, हां रिलैक्स। अबे रिलैक्स के बच्चे, तू कहां था? हां मैं तो यहीं था। हां एक काम करो, तुम अपने जवानों वाली पार्टी संभालो, तब तक मैं तुम्हारी माँ को अपने प्राइवेट पार्टी पे ले जा रहा हूँ, यॉट पार्टी पे, समझे? लिसन लिसन आवाज नीचे। प्रोफेसर कैन आई बोरो फॉर अ सेकंड? श्योर। यू हैंडल द पार्टी? ऑफ कोर्स। थैंक यू प्रोफेसर, हैव फन। कम ऑन बाय। बंटी क्या हुआ? क्या तानिया? Will you marry me? Are you serious? Very serious. Of course. I love you, Benji. Now you can do it like this. Take it to the left, or you can do it like that. Shake it to the right. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. You can do it like this. Shake it to the left. Or you can do it like that. Shake it to the right. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies. Zor ka jhatka hai zoron se laga. सबसे पहले शादी